मम्मी मम्मी उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ किया मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैंने वो वीडियो देखा। मैं पागलों की तरह बौखलाई हुई सबके सामने अपना तमाशा बना रही हूँ। उस दिन तूने मुझे दवाई दी थी ना, मेरे बार बार मना करने के बावजूद तूने मुझे दो दो दवाई खिलाई थी ना, और उसी के कारण मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने वो सब किया उन सबके सामने। बता बता तेरा क्या इरादा है। मम्मी एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। इसे नीचे रख दीजिए, चोट लग जाएगी। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब कुछ समझती हूँ। तू बता तेरे क्या इरादे, किस इरादे से तू यहाँ पे आई है, बता मुझे। पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल कर एहसान करती है ताकि ताकि मैं तुझे अपना लूं, हाँ? लेकिन मैं तेरा सारा नाटक समझती हूँ। तू मुझे दो दो दवाइयाँ खिलाकर पागल करना चाहती है ना, हाँ? मम्मी मम्मी शांत हो जाइए प्लीज, आप गलत समझ रही हैं। मम्मी मैंने आपको अपनी मर्जी से दो दवाइयाँ नहीं खिलाई, मुझे कहा गया था आपको दो दवाइयाँ खिलाने के लिए। आप शांत हो जाइए प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है प्लीज। मैं पागल नहीं हूँ, समझ में आया, मैं पागल नहीं हूँ। मेरा पेट, कभी बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज हग मी टाइटली प्लीज। शानी यू विल बी ऑलराइट, शानी इट्स ओके। नहीं कबीर, कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई मुझे लगता है भाभी को यहाँ पे होना चाहिए था, तुम भाभी को कॉल करो प्लीज। हाँ मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ ध्रुव। जानवी कहाँ हो तुम, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, ईशानी नीड्स यू। ध्रुव मेरी गाड़ी खराब हो गई है एक्चुअली, ये भगवानपुर टी रोड जंक्शन के पास, तो मैं गाड़ी ठीक करवा के आती हूँ। ओके सब ठीक है ना, मैं आऊँ वहाँ पे? नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम वहीं रहो हॉस्पिटल में, सब सब होंगे ना, सबको जरूरत होगी तुम्हारी, तुम वहीं रहो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बाय। शांत हो जाइए, आई इधर बैठे बैठे, आराम से बैठे। पानी पीजिए और मेरा यकीन कीजिए मम्मी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, कभी नहीं पहुंचाना चाहूंगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि अगर आप ठीक होंगी, आपकी तबीयत सुधरेगी, तो कबीर को अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी होगी ना, और अगर वो खुश होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। टीकू काव्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं घर के लोग क्यों समझते हैं कि मुझे कुछ हो गया है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सब समझ में आता है, मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूँ। Thank you.
भगवानपुर रोड टी जंक्शन तो यही है, तो यहाँ पे तो जान भी दिख रही है ना, उसकी कार है, कहाँ गई वो? बेटी हट जा, बेटिया जय मां काली। ओह माय गॉड, शेर 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 उठ जा, शेर अम्मा इसे चोट लगी है, शेर शेर देखो हम आ गए, शेर उठो, अम्मा अम्मा ये उठ क्यों नहीं रहा है, शेर ऐसा करेगा, तूने जबरदस्ती लेके जाएगा और इतना ख्याल करेगा, I'm so sorry, मैं। अरे क्यों रो रही है अब? रोने से फायदा? तूफान से टक्कर पतवार के भरोसे नहीं ली जा सकती है, अब ऐसे हादसों के लिए तैयार रहना होगा, अगर आग से खेलेगी तो अपने हाथ भी तो जल सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना, ये सब तेरे बदला लेने का नतीजा है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ सोच ले, अभी भी वक्त है। अम्मा मेरा ये प्लान नहीं था, मेरा प्लान कुछ और था, मैंने नहीं सोचा था ऐसा सब, सॉरी। पूजा, मुझे कुछ नहीं होगा, तेरी राखी है ना मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे माफ कर दे, तेरा बदला पूरा होने तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। पूजा तू यहाँ से जा, वहाँ हॉस्पिटल में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे, इससे पहले कि कोई और सवाल उठे तू वहाँ पहुँच जा, शैल को यहाँ से मैं ले जाऊंगी। नहीं 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 अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा इसे छोड़ के जाने का। अरे कौन बहन अपने भाई को इस हालत में छोड़ के जाना चाहेगी, लेकिन सोच वहाँ रानी भी तो अकेली है, वो अकेले सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएगी, मैं इसे संभालूंगी, तू जा वहाँ रानी का ख्याल रख, तू अपना ध्यान रखना, प्लीज अम्मा इसका ध्यान रखना। हाँ तू जा। सो सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, वो एक्चुअली गाड़ी ठीक कराते कराते ना, मैं वहां भगवानपुर टी जंक्शन गया था,
ना तुम थी, ना मैकेनिक और ना गाड़ी। ऑफ कोर्स मैं कैसे हो सकती हूँ वहाँ। मैंने एक्चुअली मैकेनिक को पहले ही बुला लिया था वहाँ पे। उसने गाड़ी ठीक की, कुछ दूर तक चली और फिर से बंद पड़ गई। इसलिए हमें गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाना पड़ा, तब जाके ठीक हुई है। ईशानी ठीक है ना? बहुत मिट्टी थी वहाँ पे। ध्रुव, what's wrong with you? क्या कहना चाहते हो तुम? You know how these places are? किस वर्कशॉप पे मिट्टी नहीं होती, लग गई होगी। मैं कभी भी कुछ भी कहाँ कह पाता हूँ जानवी? वो सारी जिम्मेदारी तो तुमने अपने सर पे ले रखी है ना? जानवी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कुछ ऐसा जो मुझे पता होना चाहिए? मेरी तरफ देख के जवाब दो। ध्रुव, मैं जानती हूं तुम्हें मेरी बात का बहुत बुरा लगा ना उस दिन। अगर मैं दिल से तुमसे सॉरी कहूं तब भी तुम इस तरह बात करोगे मुझसे गुस्से में? आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे लेकर परेशान हो जाते हो। रियली सॉरी। इट्स ओके, फॉरगेट इट। चलो ईशानी के कमरे में चलते हैं, उसे जरूरत है तुम्हारी। हाँ। न जाने क्यों आज मेरा मन नहीं मान रहा तुम्हारी बात पे यकीन करने का। ओह, बहुत दर्द हो रहा है कबीर। भाभी भाभी, ईशानी को देख। ईशानी, मुझे फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं लगता। इन्हें तो पैनिक अटैक जैसा आया है, और बात रही उल्टी करने की तो वो ज्यादा खाने से भी हो सकता है। देखिए, आज इन्हें कुछ हैवी फूड खाने को मत दीजिएगा, पेट को रेस्ट की जरूरत है। सादी खिचड़ी जैसी चीजें एक दिन के लिए। What? सादी खिचड़ी? ओए, पूरा दिन मुझे नहीं खानी की सादी खिचड़ी। शानी, बच्चों जैसी बातें मत कर, ठीक होना है ना? भाभी, आई थिंक काव्या घर पे है, मैं उसे बोल देता हूँ खिचड़ी बना के रखेगी। जी ओके। कबीर, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा साथ दिया, इतना टाइम इधर खड़े रहे, मुझे संभाला, थैंक यू। इट्स ओके शानी। कोई बात नहीं। यस मैम, बोलिए। ये ठीक नहीं है। मैं जानवी भाभी पर शक कर रही हूँ, गलत है ये। कुछ नहीं भैया, थैंक यू। ठीक हूँ काव्या, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास ये कैप्सूल है, अब जांच करवानी है इसकी कि इसमें क्या दवा है और कब यूज होती है। हेलो काव्या, तुम घर पे हो? बोलो। काव्या की तुम प्लीज ईशानी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दोगी? एक्चुअली उसे थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ हो गया है, समथिंग सीरियस, बट इट्स ओके। हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, हम थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं। एक्चुअली कबीर, मैं घर पर नहीं हूँ। व्हाट? काव्या, मैंने तुमसे अभी पूछा तुम घर पे हो या बाहर, तुमने कहा घर पे हो, तो मुझे पहले बता देती ना यार, मैंने तुमसे पूछा था अभी। कबीर भैया, आप क्यों उस बेचारी पे गुस्सा कर रहे हैं? मैं खुद बना दूंगी अभी घर जाके खिचड़ी। कबीर प्लीज, मैं यही बोलने वाली थी कि मैं घर ही आ रही हूँ और घर आकर खिचड़ी बना दूंगी, और तुमने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया। प्लीज, मुझसे प्यार से बात नहीं करनी है तो मुझे फोन मत किया करो।
चलो यहां से चलते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो। भाई क्या हुआ? एक बात मुझे अचानक याद आई, याद है आज दिन में वो जर्नलिस्ट आया था, वो जो कह रहा था वो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन तुझे वो बचपन का किस्सा याद है? मुझे याद है, एक डॉक्टर थे जो इस सब में इन्वॉल्व थे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे। मैं तो बहुत छोटा था तो किसी से क्या पूछता, लेकिन मैंने दादाजी को कहते हुए सुना था कि उस डॉक्टर की दवाई की वजह से ना सिर्फ हमारे डैड की कंपनी की इमेज टेक पर आ गई थी बल्कि काफी लोग मारे भी गए थे उस दवा से। Are you sure? हाँ, उसकी दवा से। जो जर्नलिस्ट कह रहा था, I don't know what he was saying, but I think वो जो भी हुआ था ना उसमें उस डॉक्टर की गलती थी। अभी तो आपने कहा कि आप बहुत छोटे थे जब ये सब हुआ, तो आपको कैसे पता कि एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा? कुछ भी मत बोलिए। शानी, तू क्यों अपना दिमाग लगा रही है सब में? जो होना था सो हो गया, 20 साल हो गए उस बात को। या मैन, 20 साल हो गए इस बात को। Can you imagine? लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं 20 साल पुरानी जो मुझे अच्छे से याद है। उस डॉक्टर की दो बेटियां हुआ करती थी, छोटी वाली आई थिंक तेरी एज की थी और बड़ी वाली मेरी एज की। पूजा नाम था उसका, मेरी फ्रेंड थी वो। अभी भी मैं कई बार उसके बारे में सोचता हूँ कि पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।